इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2, जिसका पढ़ेंगे हम 13वां अध्याय प्रहलाद अग्रवाल। ये लिखते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। चलिए सबसे पहले प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका अभी हम फोटो देख रहे हैं। तो 1947 भारत की आज़ादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए तक की शिक्षा हासिल की थी। हिंदी में एमए किया। उन्हें किशोर वय मतलब जब उनका उम्र 17 के करीब आया था, उसी समय में हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक था, क्योंकि किशोर अवस्था में ही उनको सब चीज़ का शौक हो गया था। और शौक होना ही जिंदगी में कामयाब बनने का रास्ता है। इन दिनों जब बहुत चर्चित थे, उस समय सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महाविद्यालय में प्राध्यापन, उसमें पढ़ाते भी थे। तब प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल, प्राध्यापन मतलब वहाँ पर प्रिंसिपल का काम होता है, तो प्रहलाद अग्रवाल वहाँ पर प्राध्यापन भी किए हैं। फिल्म क्षेत्र से जुड़े अग्रवाल जी लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखे हैं और उसी को बनाए रखना चाहते हैं। कृत संकल्प भी हैं, मतलब संकल्प भी ले लिए हैं कि फिल्म क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। इनके प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, ये सब फिल्म बना है, मैं खुशबू, सुपर स्टार जिसमें राज कपूर जी रोल किए हैं, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, वो पूरा फिल्म का नाम है राज कपूर आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र के जिंदगी की जीत में यकीन, तो जो शैलेंद्र थे उनके जीत की यकीन, ये भी ये लिखे थे, प्यासा, चिर अतृप्त, गुरुदत्त, ये पूरा नाम था, उताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे माझी, माझी कौन, ओरे माझी बिमल राय का सिनेमा, और महाबाजा के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा, ये सब ये लिख चुके हैं। ये सब पे फिल्म बन चुका है आज के समय में। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा होता था जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सिनेमे पर्दे पर जरूर पहुंच जाती थी। इनमें से कुछ सफल रहती तो कुछ असफल हो जाती थी फिल्म, मतलब कोई ज़्यादा पैसा कमाता, कोई नहीं कमाता। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती थी और कुछ को वह सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाया करते थे। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है, कि कोई भी फिल्मकार जो है साहित्य कृति को पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ शूटिंग करवाता है और उसका फिल्म जब आता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कायम रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमृत कृति तीसरी कसम, इनकी जो अमृत कृति थी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलसाम को सिनेमे पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुआ, बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है, इतना ज़्यादा वो फिल्म सुपरहिट हुआ था। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत संगीत कहानी की बदौलत शोहरत पाई थी बल्कि उनमें अपने जमाने के सबसे बड़े सोमन मतलब सामने जो आता है ना हीरो, उसको राज कपूर ने अपने फिल्म जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया था। जो राज कपूर जी थे, राज कपूर अपने जीवन में इस फिल्म पे इतना मेहनत किए थे, इतना बेहतरीन फिल्म को दिए थे कि सब कोई चम
चमत्कृत हो गया एकदम, सब कोई को लगा कि आश्चर्यचकित, ऐसा कैसे हो गया भैया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान थी। कौन थी? वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसे उनसे उम्मीद की गई थी, उतना अच्छा अनुभव करके दिखा दी थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया है कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य पारक फिल्म है। फिल्म बना कितना कठिन और जोखिम का काम था, मतलब इतना उद्देश्य परक जो फिल्म उस समय बना था, आज के समय में बताना बनाना कितना कठिन है, जोखिम भरा काम है, ये बताना ही आज पाठ का माध्यम है। तो चलिए देखते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, तो ये कैसे एकदम रंगमंच अच्छे तरीके से निभाते हैं। संगम की अद्भुत सफलता। संगम की अद्भुत सफलता राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया। राज कपूर जो हीरो थे उनमें आत्मविश्वास अंदर अंदर तक भर गया था और उसने एक साथ चार फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सब गाना यहाँ, मतलब फिल्म है, तो ये सब एक साथ चार को रिकॉर्डिंग चालू था, इस चारों फिल्म एक साथ होगा। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएगा। जो ये फिल्म बना था, कौन सा फिल्म बना था? मेरा नाम जोकर, एक छोटा सा भाग बनाने के लिए 6 साल लगा था। ऐसा कौन सा फिल्म था कि भैया 6 साल लग गया था, बताएंगे कभी। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीति जो भी उसमें जो कर रहे थे, अभिनीति कई फिल्में प्रदर्शित हुई और राज कपूर इतने फिल्म में काम कर लिए थे कि वो सब प्रकाशित भी हो गए उस समय। इसमें सन 1966 में प्रकाशित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल थी और तीसरी कसम पर भी इतना ज्यादा रोल किए थे कि सब प्रकाशित हो गई या सब सुपरहिट, सब फिल्म सुपरहिट। ऐसे में ये था बादशाह वाला था, मुजलिया, क्या नाम था, मुगलिया आजम, ये भी फिल्म कमाल का था। यह वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की थी, अपने जीवन की सबसे अच्छी अभिनेत्री इसी में किए थे। जितना भी एक्टिंग था इनको आता था, मतलब जो भी सीखे थे सारा चीज को इसके पर्दे पर उतार दिए थे। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलाइट पर पूरी समर्थता पर उतारा। अब देखो, एक यही फिल्म थी साहित्य साहित्य हिंदी साहित्य पर बना था जो पर्दे पर पूरी तरह से सफल हो गई। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेलुलाइट पर लिखी कविता थी। और तीसरी कसम फिल्म नहीं, वह एक सेलुलाइट पर लिखी गई कविता थी, लेकिन फिर भी वह सुपरहिट डुपर हिट गया। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। क्या थी? अंतिम फिल्म थी, पहली भी फिल्म थी। कैसे? तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला था उस समय। राष्ट्रपति जी स्वर्ण पदक दिए थे, जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति स्वर्ण पद मिला, वो समय मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया था तीसरी कसम फिल्म को। मास्को फिल्म फेस्टिवल में, मास्को में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भी यह फिल्म पुरस्कार पुरस्कृत हुआ था, मतलब इसी फिल्म को पुरस्कार दिया गया था। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई थी। ये जो इसमें जो कला दिखाया गया था, इसकी लंबी चौड़ी तारीफें हुई थी वहां पे। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। सच्चा कवि जो होता है हृदय से लगाकर अगर कुछ लिखता है ना, तभी ऐसा रूप, ऐसा भाव, ऐसा
काम लिख सकता है, ऐसा नाटक लिख सकता है। सलंदर ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिया था। जो भी शब्द भावना था उनका, राज कपूर जी का, उनके भावनाओं को शब्द के रूप में पेश किया था। इनका नाम था सलंदर जी, सलंदर। राज कपूर ने अपने अन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ काम किया कि किसी परिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। अब देखो परिश्रमिक क्या होता है, बिना पैसे का इच्छा, पैसे नहीं मिलते थे उस समय, तो बिना पैसा का इच्छा का ही वहाँ पर इतना अच्छा रोल किया। सैलेंदर ने लिखा था कि वे राजकुमार के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया था, परंतु गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा परिश्रमिक एडवांस देना होगा, मतलब मेरा पैसा, मेरा फीस एडवांस देना पड़ेगा। सैलेंदर को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे पैसा लेकर। सैलेंदर का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो एक रुपया, निकालो, मेरा परिश्रमिक यही है, एक रुपया एडवांस, पूरा एडवांस हो गया। मतलब एक रुपया एडवांस लिए थे, केवल एक रुपया लिए थे, कौन, राज कपूर जी। अब फिल्म सैलेंदर की जो फिल्म थी उसको उन्होंने छापा, तीसरी कसम के शिल्पकार सैलेंदर। ये फिल्म पर बहुत ज़्यादा रोल ये किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, तब ये फिल्म सबके सामने आया था। सैलेंदर राज कपूर के इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, ये जो सैलेंदर जी जो थे वो जो दोस्त थे, लेकिन राज कपूर मस्ती करते हैं ये भी उनको पता था, लेकिन भैया यहाँ पर बिजनेस की बात आ जाती है, सोचना पड़ता है। लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। जब एक व्यवसाय की बात आ गई, फिल्म की निर्माता की बात आ गई, तो उसमें बड़े बड़े सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं, बड़ा बड़ा दिमाग वाले बुद्धिज्ञानी लोग भी हिल जाता है जब पैसा कोई मांग देता है तो। फिर सैलेंदर तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, मतलब उस समय उनको उतना समझ में नहीं था किस तरह करना चाहिए। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से सैलेंदर को फिल्म की असफलता के खतरों से आघात भी किया था, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था। क्या था? आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। सैलेंदर जी को इतना भी ज़्यादा किसी चीज़ से लगाव नहीं था, बस इतना जानते थे कि हमारे आत्मीय संतुष्टि मिल जाए, बस काम खत्म, उसके ज़्यादा नहीं। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना हो रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले थे, बमुश्किल मतलब बहुत मुश्किल से ऐसे सब कारण मिले थे। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। देखो बात यह था कि राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे एकदम हीरो हीरोइन उस समय अभिनेता थे, अभिनेत्री थे, इसीलिए और भी ज़्यादा चमका। शंकर जय किशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी, बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे उस समय, हर लोग जानता था। इसके गीत भी, इनका जो गीत गाते थे, गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहतर लोकप्रिय हो चुके थे, और फिल्म निकलने से पहले ही गाना निकल गया था मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, इस फिल्म को कोई खरीदता ही नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। दो का चार जो मतलब जो काले लोग होते हैं, काले लोग नहीं, घोटाले वाले लोग, उनके लिए ये फिल्म नहीं थी, वो ये सब नहीं देख सकते हैं। उनमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, वैसा भी नहीं।
इसलिए बमुश्किल तब तीसरी कसम रिलीज हुई। तीसरी कसम जब सारा मुसीबत के बाद रिलीज हुआ तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ था। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नवाकिफ थे। देखो 20 साल फिल्मी दुनिया में रहने के बाद भी शैलेंद्र को उतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी ज्ञान नहीं थी जितना एक फिल्म डायरेक्टर को होना चाहिए। परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियता नहीं खो सकते थे। उसमें उलझकर वो अपने इंसानियत को नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है। कौन सा गीत है? प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यारे हुआ इकरार हुआ, प्यारे से फिर क्यों डरता है दिल। ये गाना आपने सुना ही होगा। इसके अंतरे की, मतलब इसके बारे में जानूं तो इसके अंदर की एक पंक्ति रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानी। रातों रात दसों दिशाओं से अपनी कहानी कहेगी, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। जो संगीतकार जय किशन थे उनको थोड़ा दिक्कत था। उनका ख्याल था कि दर्शन चार दिशाएं, दर्शक चार दिशाएं तो समझ में आता है, 10 दिशाएं नहीं। मतलब देखने के लिए चार दिशाएं तो ठीक है, लेकिन 10 दिशाएं समझ में नहीं आता है। 10 दिशाएं होती है, चार हो गया और सब में बीच बीच में काटल चालू करो, कितना हुआ? 8 हुआ। एगो ऊपर नीचे, 10 दिशा हो गया कि नहीं हुआ? तो 10 दिशाएं होती है अपने ब्रह्मांड में। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ महत्व था कि वो मानते थे कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। जो उलझा देवे उसको नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की, जो देखता है, उसकी रुचियों का बहिष्कार, सॉरी परिष्कार, परिष्कार मतलब रुचि को समझना पड़ता है, तो रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न ना करे। मतलब उस रुचि को खराब करने का, नष्ट करने का कोशिश भी ना करे। और उनका यकीन गलत था। जो गायक थे, क्या नाम था, जय किशन, उनका यकीन गलत था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। जो भी गाना था वो सब लोकप्रिय हो गया। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को, जो झूठा बात था, उसको भी अभी नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया था। उनके गीत जो थे वह भाव और प्रवण, भाव और किस तरह गाना मन और तन दोनों से लगता है, तो उस तरह प्रवण थे। भाव से भी अच्छे थे और संगीत धुन से भी अच्छे थे। दुरूह नहीं, गलत नहीं। मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये गाना सुना है ना, ये पतलून इंग्लिस्तानी, पूरा सुनाता हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गाना सुना है ना, बस यही गाना कितना फेमस हुआ था। यह गीत शैलेंद्र की लिख सकते, ये गाना जो है केवल शैलेंद्र ही लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं लिख सकता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा मजेदार होना चाहिए। शांत नदी का प्रवाह, शांत नदी का प्रवाह और समुन्दर की गहराई लिए हुए उनका जो भी लिखते थे ना, शांत नदी की तरह प्रवाह था और समुन्दर की उतनी गहराई हुआ करती थी। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा भी साबित कर दिया था। और फिल्म के कारण ही देखो कितना फेमस हो गए थे शैलेंद्र जी। तीसरी कसम, यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है, एकमात्र ना मानूं तो उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राजकुमार जैसे स्टार को, राजकुमार जैसे इतना बड़ा राजकुमार स्टार थे, बहुत बड़े उस समय स्टार थे, उनको हीरामन बना दिया था। क्या बना दिया था? हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सकता था। हीरामन पे
राज कपूर हावी नहीं हो सकता था क्योंकि हीरामन की ही कहानी वहां पर बोलना था। हीरामन उनका फिल्म का नाम था। और छींट की सस्ती साड़ी, छींट मतलब सूती का सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई, पहले का लोग सूती साड़ी ही पहनता था, उसमें लिपटी हीराबाई के वहीदा, हीरामन और हीराबाई, एक प्रेमी एक प्रेमिका। तो वहीदा रहमान हीराबाई की रोल कर रही थी, हीराबाई का नेतृत्व कर रही थी, और उन्हीं का मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर की गई थी कि भैया हीराबाई की रोल वहीदा ही करेंगे। प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था, इतना अच्छा काम कारोबार उस समय मेहनत करके लोग वहां पर पर्दे पर उतारे थे। कजरी नदी के किनारे अकुरू बैठा हीरामन, कजरी नदी के किनारे पलथलिया मार के बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है, सॉरी, मन समझती है ना आप, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है, दुनिया भर के शब्द उस शब्द भी, दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे ही सूक्ष्मता से संपदित थी तीसरी कसम। ये बोलती है कौन, हीरोइन जो थी। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते कारीवान, अपने मतलब एक गाने वाला गारीवान, गाड़ी चलाते थे ना उस समय, वो जो हीरो का रोल कर रहे थे राज कपूर जी, वो गाड़ी चला रहे थे। तो अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गारीवान, चलत मुसाफिर मोह लिए रे पिजरे वाली मुनिया, तो गाना गाया जाता था ऐसे, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजरे वाली मुनिया, पिजरे वाली मुनिया, तो ऐसे ही गाना था। टप्पर गाड़ी, टप्पर उस समय टमटम गाड़ी हुआ करता था, तो टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई, एक नौटंकी के बाई में अपमान खोज लेना। जो दुनिया में कुछ खोजने की लालसा रख ले, इच्छा रख ले, तो हर चीज में कुछ ना कुछ खोज सकता है। तो वैसा खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, मतलब वैसा आसान हृदय, नम्र कोमल हृदय वाला गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कह के। अब देखो यहाँ पर लोगों के अनुभव, अभाव को जितने भी थे उनका अनुभव अभाव हो गए, उसको जिंदगी, उन जिंदगी को जीते लोगों के सपने लिए, मतलब उस जो लोग अपने भाव बनाते थे ना मन में, तो वो सारे अभाव और भाव को ये लोग पर्दे पर उतार दिया करते थे। यहाँ पर दिया गया, अभाव की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कह के, मतलब जो लोग भावना रखते हैं, कोई जो भी लोग कुछ मतलब वहां पर मन में सोचते हैं, तुरंत देखोगे कि वो आपको यहाँ पर टीवी के माध्यम से मिल जाएगा। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, लोगों का अभाव, वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रास्त स्थितियों का चित्रण, सॉरी चित्रांकन होता है, तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाएगा, खोजा जाएगा। दुख का ऐसा विभक्स, दुख का ऐसा विभस्त रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरे कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन साक्षेप प्रस्तुत करते थे, वह दुख को भी जीवन में अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कभी कहा है, गीतकार नहीं, गाना लिखने वाला नहीं, गाना गाने वाला नहीं, कविकार कभी कहा है। वे सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर, यश आयासी और धन की चाहत से कोसों दूर रहने वाला इंसान शैलेंद्र, जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं झूमने का संकेत भी था, करुणा नहीं, गाना सुनकर लोग झूमने नाचने लगे वैसा संकेत भी था। वह
प्रक्रिया भी मौजूद थी, वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तत्व अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती है। व्यथा मतलब जो आपका स्वभाव है वो आपको पराजित नहीं करती, जो आपका अभी टेंशन वगैरह जो भी चलता है वो आपको पराजित नहीं करती, लेकिन उस टेंशन को बढ़ा लेते हो, चिंता को बढ़ा लेते हो, तब दिक्कत होता है। उसे आगे बढ़ने का संदेश देना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस अपनी मंजिल तक पहुंचा। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रणता का श्रेष्ठता तत्व प्रदान किया, मतलब अपनी भावना का सबसे श्रेष्ठ अभिंग प्रदान किया उसको लिखने में। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया, और मुकेश के आवाज में जब ये शैलेंद्र की गीत आई तो ये गीत एकदम अमर जैसी हो गई। इतना सुनने वाला गीत शायद ही कभी किसी लोगों ने सुना होगा। अब देखते हैं वो गाना था कैसा। सजौना बेरी हो, सजौना बेरी हो, एक हमार चिठिया हो, सजौना बेरी हो, एक हमार चिठिया हो, तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोये। तो ये गाना था। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जो दृष्टिकोण अभिनय के दृष्टिकोण से जो तीसरा कसम जो फिल्म था एकदम सुपर डुपर था। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत, तीसरी कसम में मासूमियत के मोर्चे उत्कर्ष को छूते हुए, मासूमियत को पूरा छू गए थे। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं उतना जागते रहो में भी नहीं है। तीसरी कसम में जितना मतलब एकदम अधिकता से मौजूद हैं उतना जागते रहो में कभी नहीं थे। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सहारा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाएक हो गया था, हीरामन के साथ मिल गया था। मतलब वो उसमें वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हीरामन का साक्षात रोल कर रहे थे। खालिस देहाती भुच गारीवान को जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन शोमैन सो शोमैन के रूप में स्थापित किए गए थे। उनका फोटो लोग लगाया करते थे दुकान में, घरों में। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। उनका अपना नाम जो राज कपूर था वो सब तो कोई याद नहीं रखता था, हीरामन लोग बोलना चालू कर देते थे, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था। राज कपूर जी पूरी तरह पता नहीं कैसे दैवीय चमत्कार था कि क्या, हीरामन के आत्मा जिस तरह हीरामन जीता था वैसे राज कपूर जीने लगे थे। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता अपितु खुद हीरामन में ढल गए थे उस समय। हीराबाई के फेनु गिलासी बोली पर रिझता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसे भोली सूरत, मनुआ नटुआ जैसी नाटा था और थोड़ा सावला सा, तो सूरत पर ने वो छावर मतलब अपने आप को लुटा देना निछावर होता हुआ, और हीराबाई के तनिक सी अपेक्षा पर अपने अस्तित्व से झूमता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था कि थोड़ा सा अपेक्षा मिलता था तो झूमने लगता था। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का ऐसा ऐसा रेसा रेसा कहानी का ऐसा ऐसा रेसा रेसा उनकी छोटी सी छोटी बारीकी फिल्म में भी पूरी तरह उतर गई थी। देखो ऐसा ऐसा और रेसा रेसा एकदम छोटी सी छोटी पार्ट, छोटी सी छोटी जगह को भी, छोटी से छोटी बारीक कहानियों को भी फिल्म में उतारी गई थी एकदम दिखाने के लिए कि हाँ बहुत अच्छा।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो पंक्तियों में देना है, दो शब्दों में देना है, दे सकते हैं। इसको 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, आराम से हो जाएगा। और बाकी ये 50 से 60, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आता है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, और बाकी इसमें शब्दार्थ के अलावा बाकी कुछ नहीं है, आप जरा ध्यान से देख लेना, बाकी कुछ नहीं है भाई, खत्म। इसके आगे पढ़ेंगे अंतोन चेखव, अंतोन चेखव जो लिखते हैं गिरगिट, गिरगिट एक कहानी सा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।